तो अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे और इस जगह पे आज भी मौजूद है, ये सामने जो पेड़ है ये इस जगह पे जिन्नात है। अच्छा। ये हाँ, ये जिन्नातों का टाइम है ताजुब का, कहते हैं कि जैसे अगर आप अपनी नियत से आए हो, साफ नियत से आए हो तो कुछ नहीं होगा, और गलत नियत से आओगे तो उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी आपको। हाँ है, जिन्नात आज भी मौजूद है, मगर वो है जो नेक इंसान हो। दोस्तों आज की वीडियो में आपको अजमेर शरीफ के अंदर मौजूद जिन्नातों की मस्जिद का दीदार कराने वाला हूँ। और जिन्नातों की मस्जिद के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है कि उस मस्जिद के अंदर आज भी जिन्नात अगर के नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर के जाएंगे और जो जिन्नातों की मस्जिद है किस तरीके से दिखती है और कहाँ पर जिन्नात होने का एहसास लोगों को हुआ है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। दोस्तों सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना, और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं इंस्टाग्राम फेसबुक जितने भी व्हाट्सअप जितने भी ग्रुप है आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। मेरे साथ में भी मौजूद है मिस्टर गुलाम शेख, तो इनका भी यूट्यूब चैनल है, ये भी यहाँ का वीडियो शूट करना है। और अजमेर शरीफ से रिलेटेड मार्केट मजार दरगाह शरीफ से रिलेटेड जितनी भी वीडियो इनके यूट्यूब चैनल पर आती है, तो आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं कुछ नहीं बोला। गुलाम भाई का थोड़ा चैनल देख लेना क्योंकि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप देख सकते हो पीछे जिन्नातों की मस्जिद। तो चलिए दोस्तों बैक कैमरे चलते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि जिन्नात अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं और पाक साफ जिन्नात भी होते हैं, तो इसी के बारे में हम पूरी मालूमात करने वाले अंदर जा करके। तो चलिए दोस्तों जिन्नातों की मस्जिद के अंदर चलते हो, यहाँ पर अंदर से आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे और यहाँ के बारे में पूरी मालूमात पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को आज भी एहसास होता है कि यहाँ पर जिन्नात है, आज भी यहाँ पर जिन्नातों की मौजूदगी है। तो दोस्तों पूरी जानकारी अभी हम यहाँ पे अंदर ही जा करके लेने वाले। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो ये जिन्नातों की मस्जिद अजमेर शरीफ के अंदर मौजूद है। अगर आप अजमेर शरीफ आते हो जो तारागढ़ पैदल जाने वाला रास्ता है उसी रास्ते पे यहाँ पे जिन्नातों की मस्जिद है। आप किसी से भी अगर पूछोगे कि अजमेर शरीफ के अंदर जिन्नातों की मस्जिद कहाँ है तो आपको कोई भी यहाँ के बारे में जानकारी दे देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो जिन्नातों की मस्जिद यहाँ लिखा हुआ है। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है ये जिन्नातों की मस्जिद अपने आप उभरी है, अपने आप ये बाहर आई है। तो यहाँ के बारे में पूरी जानकारी हम भी यहाँ के जो रहने वाले उन्होंने ही हम लेने वाले। तो आप ये पूरा मंजर देखिए। दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस इस वीडियो को देखने के बाद आगे से आगे शेयर करना। आप जो भी यूज करते हो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। और दोस्तों यहाँ पे कौन कौन आ चुका है कमेंट में जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और अंदर से आपको पूरा यहाँ का मंजर दिखाते हैं और यहाँ पे जो भी मालूम है उसको लेते हैं। हाँ, जो आप जो देख रहे हैं ये मस्जिद जो 800 साल पुरानी है और ये ज़मीन से जो निकली हुई है, क्या है उसका नक्शा बनाया गया है। यहाँ कुछ भी नहीं, जंगल था किसी ज़माने में, क्या है ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है, केवल इबादत की आप दिखा सकते हैं, ये इबादत की जगह है। हाँ, यहाँ केवल अल्लाह वाले और जिन्नात, जो जिन्नात होते हैं, हाँ जी, ये जिन्नातों का टाइम है ताजुब का, जो 4 बजे का ताजुब का टाइम होता है वो यहाँ पे आके इबादत करते हैं, जो अल्लाह वाले जो नेक है। बाकी यहाँ पे किसी को इजाज़त नहीं है, कहीं आए और कहीं चले गए। हाँ जी, ये बाबा इस मस्जिद में देखा हमने काफी वर्षों से देखते हुए आ रहा है कि इस पे छत नहीं है। नहीं नहीं, इजाजत नहीं है इसकी, छत की इजाजत इजाजत नहीं है, किसी चीज की नहीं है, टाइल की भी इजाजत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये असल में किसी का काम पूरा हुआ है तो लोगों ने जैसे हिंदू मुसलमान जो भी है उन्होंने मिल के टाइल लगवाई है यहाँ पे, हर मजहब का आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक तो ये यहाँ की ये खासियत है कि जैसे अगर आप अपनी नियत से आए हो, साफ नियत से आए तो कुछ नहीं होगा, और गलत नियत से आओगे तो उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी आपको। अच्छा। हाँ जी, तो यहाँ जो जो तारागढ़ जाने वाले जायरीन है वो आते हैं यहाँ पर अक्सर? हाँ, जाए ऐसा है जी, कोई ऐसी ताकत है इसके बारे हम जानते नहीं है जो खींच के लाते हैं। बाकी यहाँ ज़्यादातर ज़्यादातर जो आते हैं इबादत करने के लिए आते हैं, यहाँ मांगने काम नहीं है, यहाँ ना किसी दौलत का चक्कर है ना किसी चीज़ का कोई, खाली इबादत से मतलब है। मस्जिद को जिन्नातों के नाम से ही क्यों जाना जाता है? क्यों कि जो अल्लाह वाले थे जो इबादत कर रहे थे तो उस वक्त जिन्नात आ जाते यहाँ पे। अच्छा, आज भी मतलब यहाँ पे? हाँ है, जिन्नात आज भी मौजूद है, मगर वो है जो नेक इंसान हो, जिस नियत साफ है, जिसको किसी चीज़ का लालच ना हो। अच्छा, मतलब। तो अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे और इस जगह पे आज भी मौजूद है, ये सामने जो पेड़ है यह इस जगह पे जिन्नात है। अच्छा। ये हाँ देखिए, ये है, ये पेड़ आइए दो कदम, ये रही। हाँ, ये इस जगह पे जिन्नात है, तो यहाँ पे अगरबत्ती जलाई जाती है, धूप इन्हें लोबा लोबा दिया जाता है। तो
ऐसा कुछ महसूस किया गया जो देखा गया, जैसे आप बता रहे हैं कि इस पेड़ के पास? नहीं, हमने खुद महसूस किया है, हमने इबादत की है, कई 25-30 साल हो गए, कभी आते कभी चले जाते हैं। जो हकीकत है, हम बम्बई के रहने वाले, यहाँ के नहीं है, हमारी पैदाइश बम्बई की है, जो हकीकत बयान कर रहे हैं। बाकी जब इबादत करते हैं ना, तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो क्या पर्दे में है, क्या है, हाँ महसूस करते हम जरूर है, मगर हम डरते नहीं। कई ऐसे चेहरे आते हैं डराने के लिए। मतलब इस पेड़ का आपने हवाला दिया, मतलब इस पेड़ पे कुछ महसूस कर चुके हैं आप? हाँ, तो जब इबादत करते हैं ना, तो कोई ऐसी इन्हें हवा की तरह आते, बिल्कुल लंबे चौड़े, बहुत लंबे हैं, हवा की तरह, उनका चेहरा अजीब गरीब लगता, डर लगता है उनका चेहरा देख के। हाँ जी, अल्लाह को ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ये जितनी जितनी दिख रही है सब ये अल्लाह वाले जो पहले इबादत करते थे। ये कब्रें इनकी, यहाँ पे इनके नीचे कई कब्रें। ये किनका मज़ार है नीचे की तरफ जो मज़ार दिख रहा है? ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत है ये। हाँ, तो यहाँ कई लोग आए राय मशवर लेके, मदनी के नाम से रखा गया इनको। अच्छा। हाँ जी, तो ये मज़ार भी मस्जिद के साथ का ही है? हाँ जी, ये कोई 6 वली थे जो आए थे इनके साथ में, क्या ये औलिया वली कुछ है जरूरी है जो इनके साथ में है, तो इनकी यहाँ ज़ियारत बनाई गई है। हाँ, ताकि कोई भी शख्स आए उनकी इबादत, इन्हें हिफाजत हो, इन्हें कोई चीज़ की परेशानी नहीं आए, इन्हें मुसीबत ना आए, इनमें इतनी ताकत है। समझो, जब भी आएंगे आप सलाम करके आएंगे, जब आप अंदर आ सकते। हाँ जी, ये देख लीजिए, ये दीवार जितनी बनी है, ये जो मस्जिद है, जो नक्शा बना हुआ है, ये सब ज़मीन के नीचे का बन के ऊपर उसका बनाया गया है, ज़मीन में से अपने आप निकला है। हाँ, असल में जो अल्लाह आते हैं ना, उनको एक नक्शा दिखाया गया है, इसके इस पर ना छत होगी ना कुछ होगा, इन्हें यहाँ तक ये टाइलों की इजाज़त नहीं है किसी चीज़ की, ना कोई शराब गांजा कोई भी चीज़ चल नहीं सकती है। अगर कोई अपनी गलत नीयत से आएगा तो उसको सज़ा भी मिलेगी, यहाँ पे मिलती है। हाँ, ये कुदरती की शान की है, ऐसी शान है यहाँ की कि जैसे मच्छी हो गया, गोश्त हो गया, अंडा हो गया, ये चीज़ की इजाज़त नहीं यहाँ पे। हाँ जी, बाकी जो पहाड़ी दिख रहा है, ये सामने जितनी पहाड़ी दिख रहे यहाँ, ये इस पहाड़ी में कई मोर भी आते हैं, देखिए इस पहाड़ी से भी आते हैं, और ये सामने वाली पहाड़ी देखिए आप, ये सामने वाली जो पहाड़ी नज़र आ रही है सामने की तरफ, देखिए आप ये जितनी भी पहाड़ी नज़र, सब मोर है यहाँ पे, और कई किस्म के परिंदे आते हैं यहाँ पे। आई, और आप इस मस्जिद में रहते हैं तो कभी आपको ऐसा डर सा नहीं लगा कि रात में भी यहाँ रुकते हैं या दिन दिन में? नहीं नहीं, ऐसा है, डर उनको लगता है जिनके दिल में वो हो। जब कोई इंसान गुनाह करता है ना, तो सोचता है अपने गुनाह को छुपा लूं, मगर क्या है, ये ऐसी जगह है कि अच्छे अच्छे भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। हाँ, और डरने की बात नहीं है, देखिए इंसान हर मज़हब में एक रूह है, क्या है, हर मज़हब के अंदर एक रूह है जो बनी हुई है। हाँ जी, ये आज नहीं कल नहीं, चाहे वो आदमी कहते हैं मैं हिंदू मर गया तो उसको उसकी रूह निकल गई, अब उसको जलाओ या दफनाओ, क्या है, ये हकीकत बयान कर रहे हैं, किसी मज़हब का भी हो। क्यों, अगर हिंदू तो बच भी जाता है, मगर मुसलमान नहीं बच पाएगा। सबसे पहले है इबादत, इबादत के बाद आप कोई नेक काम करिए, और ये मत कहिए ज़ुबान से कि हम ने ये नेक काम किया है, बाकी इसके लिए से। चलिए, यहाँ पर जिन्नातों की मस्जिद पर कोई आना चाहता है तो वो किस तरीके से आएगा? हाँ, जहाँ तक तो कोई शे करे, चाहे वो किसी मज़हब, जहाँ तक पाक साफ होके, पाक साफ होके, अगर नहीं हो सकता है तो इतना गुसल करके, इतना हिस्सा गुसल करके आप पानी डाल लीजिए, आप पाक साफ हो जाएंगे। मतलब मस्जिद में आना तो उसको पाक होना पड़ेगा? हाँ, पाक होना, हाँ हाँ। बाकी ये कि जहाँ तक कोशिश करते हर मज़हब के लिए, क्या, अगर हमारा दुश्मन है उसके लिए हम दुआ करते हैं कि वो सही रास्ते पे आ जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वैसे मोहम्मद सिराजुद्दीन नाम है। हाँ जी।